वाइटिंग एंटरटेनमेंट की सीरीज जाने अनजाने में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मास्टर कृष्णराव के नाम से मशहूर गायक संगीतकार कृष्णराव गणेश फुलंब्रीकर की, जिन्होंने कई हिंदुस्तानी रागों और बंदिशों का निर्माण किया। मास्टर कृष्णराव ने कई फिल्मों में संगीत भी दिया। वर्ष 1898 में पुणे में जन्मे मास्टर कृष्णराव ने एक बाल अभिनेता गायक के रूप में नाट्यकला प्रवर्तक मंडली के संगीत नाटक संत साखू से मराठी रंगमंच में प्रवेश किया था। उन्होंने इस नाटक कंपनी के अन्य संगीत नाटकों में भी अभिनय किया। इस नाटक कंपनी में उन्हें पहली बार सवाई गंधर्व से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका मिला, जो इस कंपनी के संगीत नाटकों में अभिनय करते थे। बाद में 1911 में उन्होंने प्रसिद्ध गायक भास्करुआ बाखले से संगीत सीखना शुरू किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के ग्वालियर, आगरा और जयपुर घरानों में युवा गायकों को प्रशिक्षित किया था। 14 वर्ष की आयु में मास्टर कृष्णराव को अपना पहला एकल संगीत कार्यक्रम देने का अवसर मिला। 1933 में उन्हें शंकराचार्य द्वारा संगीत कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया। फुलंब्रीकर ने पुणे में अपने गुरु भास्करुआ बाखले द्वारा स्थापित एक संगीत अकादमी पुणे भारत गायन समाज के निदेशक के रूप में कार्य किया। शास्त्रीय गायन के अलावा उन्होंने कई फिल्मों और नाटकों में भी संगीत दिया, जिसमें मेनका, सावित्री, आशा निराशा, अमृत सिद्धि, कान्हो पात्रा, नंद कुमार और विधि लिखित शामिल है। उन्होंने मराठी गायक और रंगमंच कलाकार बाल गंधर्व की नाटक कंपनी गंधर्व संगीत नाटक मंडली के लिए कुछ नाटकों में अभिनय भी किया। बाद में उन्होंने कुछ नाटकों जैसे कुलवधु, एक होता महतारा, कोने एके काली और भाग्योदय के लिए भी संगीत तैयार किया। गुरु भास्करुआ बाखले और अपनी रचनाओं को संकलित कर उन्होंने 7 खंडों में राग समागम नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। राम मराठे, योगिनी जोगलेकर, सरस्वती राणे, हरिभाव देशपांडे, अंजनीबाई कलगुटकर, मधुसूदन कानेटकर, जयमाला शेडदार, सुहास दातार, सुधाकर जोशी, रविंद्र जोशी, मोहन कर्वे, रंगनाथ करकरे, शिवराम गाडगिल जैसे कई संगीतकारों, फिल्म और नाटक कलाकारों को उन्होंने संगीत सिखाया भी। फुलंब्रीकर को शास्त्रीय संगीत गायन की ख्याल और ठुमरी परंपराओं में विशेषज्ञता हासिल थी और उन्हें आगरा घराने से जोड़ा गया। उन्होंने अलग अलग रागों की बारीकियों को मिलाकर कई राग बनाए। उन्होंने तिलक कामोद और केदार रागों के आधार पर तिलक केदार राग, तोड़ी और मध्यम मिलाकर मंगल तोड़ी, कल्याण और शिवरंजनी के साथ शिव कल्याण, बिलावल और विभास के साथ बिल्व विभास और जौनपुरी और रामकली रागों को मिलाकर जौनकली राग बनाया। उन्होंने नए नाट्य पद बनाने की प्रथा भी शुरू की और अनेक बंदिशों की रचना की। राग नायकी कानड़ा की बंदिश रतिया में जागी, राग कौसी कानड़ा में ललन तुम बिन कौन, राग अडाना में रंग रंग मुख पे, राग भोपाली की बंदिश चाहू बरसन लागी, राग मालकोश में काहू की रीत, राग पटदीप में होली खेला बाहर, राग मल्हार में ए माँ बादल आए, राग हिंडोल बहार में माई री आज और राग शिव कल्याण में माई प्रीतम करो दुल्हन पर बेहद प्रसिद्ध हैं। उन्होंने वी शांताराम की प्रभात फिल्म कंपनी के लिए फिल्म धर्मात्मा का संगीत तैयार किया। ये फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी। उनके पुराने सहयोगी बाल गंधर्व ने फिल्म में एकनाथ की भूमिका निभाई थी। इसका मूल शीर्षक महात्मा था। 1935 की इस फिल्म में 16 गाने थे, जिनमें से 8 गाने बाल गंधर्व ने गाए थे, 4 गाने अभिनेत्री रत्न प्रभा ने, 2 गाने बासंती ने और 1-1 गाना वसंत देसाई और मास्टर छोटू ने गाया था। अगले साल उन्होंने वी शांताराम की फिल्म अमर ज्योति का संगीत निर्देशन किया। इस फिल्म को काफी सराहना मिली। फिल्म के मुख्य कलाकार थे दुर्गा खोटे, शांता आप्टे और चंद्रमोहन। ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म में मास्टर कृष्णराव ने 11 गाने तैयार किए थे। प्रभात फिल्म कंपनी के लिए उन्होंने करीब 15 फिल्मों में संगीत दिया। 1937 की फिल्म वहाँ, 1938 की गोपाल कृष्ण, 1939 की फिल्म मानुस और इसी का रीमेक बनी फिल्म आदमी, 1941 की हिंदी और मराठी में बनी फिल्म पड़ोसी, मराठी में इसका नाम शेजरी था,
1942 की फिल्म वसंत सेना, जिसे दूसरी सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1944 में राजकमल कला मंदिर की हिंदी और मराठी में बनी फिल्म भक्ति चमाला में उन्होंने संत सविता माली की मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए संगीत उन्होंने ही तैयार किया और इस फिल्म में अपने गाने भी उन्होंने खुद ही गाए। 1945 में लाखा रानी का संगीत भी मास्टर कृष्ण राव ने दिया था। मास्टर कृष्ण राव ने राजकमल कला मंदिर के अलावा दूसरे बैनर की फिल्मों के लिए भी काम किया। 1947 की फिल्म मेरी अमानत में मास्टर कृष्ण राव ने अभिनय किया और गाने गाए। फिल्म के संगीतकार थे श्रीधर पारसेकर। 1959 में मानिक स्टूडियो की फिल्म कीचक वध में उन्होंने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से एक डुएट गवाया था, गोरी आंखों में डाले कजरा बोलो कहाँ चली, जो काफी मशहूर हुआ था। मानिक स्टूडियो की ही 1962 की फिल्म विठू माझा ले कुरवाला में आशा भोसले का गाया हुआ शीर्षक गीत भी काफी पसंद किया गया। ये गीत रचना संत जनाबाई की थी। 1967 में आर्यन फिल्म कंपनी की बायोपिक फिल्म ताई तेलिन में भी मास्टर कृष्ण राव का संगीत लोकप्रिय हुआ। मास्टर कृष्ण राव उस दौर के कई संगीतकारों के प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने उनसे संगीत की बारीकियां सीखी थी। उनमें से कुछ प्रमुख संगीतकारों के नाम हैं वसंत देसाई, सी रामचंद्र, सुधीर फड़के, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, स्नेहल भाटकर और गजानन राव वाटवे। मास्टर कृष्ण राव को 1969 में महाराष्ट्र सरकार ने विष्णुदास भावे स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1971 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बाल गंधर्व गोल्ड मेडल और संगीत नाटक एकेडमी रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें चेहरे के पक्षाघात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें गायन छोड़ना पड़ा। 20 अक्टूबर 1974 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन वृत्त बोला अमृत बोला 1985 में प्रकाशित किया गया था। मास्टर कृष्ण राव की स्मृति में महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा हर 2 साल में एक पुरस्कार एक संगीत समीक्षक या संगीत पुस्तक के लेखक को प्रदान किया जाता है। उनका परिवार मराठवाड़ा के फुलांबरी से था, इसलिए उनके सम्मान में मराठवाड़ा में एक नाटक थिएटर का नाम मास्टर कृष्ण राव फुलांबरीकर नाट्यगृह रखा गया है। हर साल पुणे भारत गायन समाज उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाता है। जाने अनजाने सीरीज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।